हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.2 हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो हम पढ़ते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि इन हमारे एटमोसफियर में कितना मॉइस्चर है, ठीक है। ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलो। तो 30 days का हमें क्या दे रखी है, मतलब पूरे एक मंथ का किसी सिटी का हमें ह्यूमिडिटी दे रखी है इन परसेंटेज में, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या क्या हमें बताना है, हमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस 84 to 86 एंड 86 to 88 एसेट्रा। तो आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको टेबल रेडी करनी है। सेकेंड पार्ट, विच मंथ और द सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। आपको क्या लगता है कि कौन से मंथ का ये डाटा होगा या कौन से सीजन का ये डाटा होगा, ये आपको बताना है। और आपको थर्ड पार्ट में आपको रेंज बतानी है। रेंज आपको पता है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का डिफरेंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर लिख रही हूँ फर्स्ट पार्ट, ओके। मैं यहाँ पर लिखूँगी क्लास इंटरवल्स, ठीक है, ये हो गए आपके क्लास इंटरवल्स। और यहाँ पर मैं लिखूँगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। क्लास इंटरवल्स हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमें क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, 84 से स्टार्ट करना है, 84 to 86, 86 to 88। सबसे हाईएस्ट हम इसमें देख लेते हैं, सबसे इसमें हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है हमें। सबसे हाईएस्ट दिख रहा है 99.2 मेरे अकॉर्डिंग, आप भी एक बार चेक कर सकते हो। 99.2 सबसे हाईएस्ट है, तो दैट मीन्स हम 100 तक इसे लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल्स को। तो मैं लिख देती हूँ 88 to 90, हमें 2-2 का गैप रखना है, तो 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, ठीक है, 94 to 96 एंड 96 to 98, और 100 तक लेके जा रहे हैं हम, तो 98 से लेकर 100 तक, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स हमारे बन चुके हैं, ओके। अब हम गिनना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 84 से लेकर 86 तक। 86 तक नहीं लेंगे, हम लेंगे 85.9 तक। 86 जो हम काउंट करेंगे वो इसके अंदर काउंट करेंगे हम, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो ही चुका है। मैं यहाँ पे लिखते चलती हूँ कि हम कैसे कैसे लेने वाले हैं। तो हम लेंगे 84 से लेकर 85.9 तक, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो 84 से लेकर 85 तक, 84 से लेकर, देखो एक आपको दिख रहा है ये 84.9, ठीक है, ये आपको दिख रहा है 84.9। और देख लेते हैं 84 हमें और कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो एक ही हुई, ठीक है, ओनली वन। आगे हम देखते हैं 86 से लेकर 88 तक, दैट मीन्स हम 86 जो है वो इसमें काउंट करेंगे हम, और कहाँ तक लेके जाएंगे हम, 87.9 तक हम इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 86, देखो ये दिख रहा है 86.5, आपको एक नज़र आ रहा है ये, ठीक है, 86.5। और आपको कोई गिवन नहीं है, 86 to 87.9 के बीच में एक ही गिवन है, तो ये इसका भी क्या हो गया, वन फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। आगे हम देखते हैं 88 to 90 तक, दैट मीन्स 88 से लेकर 89.9 तक, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम 88 से लेकर 89.9 तक। देखो फर्स्ट तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 89.2, ठीक है। और हम देख लेते हैं 89 भी हमें दिख रहा है, ठीक है, तो 89 भी इसके अंदर काउंट होगा, दो हो गए हमारे पास। तो आगे हम काउंट देखते हैं, तो ये हमारे पास दो आ गए, तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। आगे हम देखते हैं, आगे आ जाता है हमारा 90 से लेकर 92 तक, दैट मीन्स 90 से लेकर हमारा हो जाएगा 91.9 तक, ठीक है। तो चलो काउंट करते हैं कितने होंगे हमारे 90 से लेकर 91.9 तक। तो 90 से लेकर 91, देखो एक तो ये दिख रहा है आपको 90.2, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है 90.3,
ठीक है, और हम देख लेते हैं। ओके, और हमें दिखाई नहीं दे रहा 91 के उसमें, तो इसके भी दो हो जाते हैं हमारे 90.3 एंड 90.2, तो इसके भी टू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको आगे भी करना है, तो मैं खुद ही यहाँ पे लिख देती हूँ, आप खुद काउंट करके लिखिएगा, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो मैं आगे लिख देती हूँ, कितने कितने आ रहे हैं, ये 7, ये 6, 7 एंड 4। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब अगर आपको इसका टोटल गिनना हो तो आप टोटल आसानी से गिन सकते हो कि आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है, तो इसका टोटल आपका 30 ही आएगा। ठीक है, टोटल अब मैं लिखती हूँ, अगर तो 30 ही आपका टोटल आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, इसके अंदर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना दी है, मतलब क्लास इंटरवल्स लोवेस्ट हाईएस्ट ऐसे करके हमने बना दिया है। और ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस क्या होता है, जिसके बीच में इक्वल गैप्स होते हैं, टू टू का गैप आपको सब में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी है। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं, विच मंथ और द सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। तो आपको क्या लगता है, ये जो डाटा हमें गिवन है, जो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वाला आपको गिवन है, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होती है ये मॉइस्चर? तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सेकेंड पार्ट, तो ये नॉर्मली रेनी सीजन्स में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेनी सीजन। ठीक है, या अगर मैं मंथ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला सीज़न कौन से मंथ में होता होगा, जून जुलाई जून में होता है। ठीक है, तो जून में आपका जो है मंथ हो गया जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का जो रेंज है वो कितना है। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो रेंज क्या होता है हमारा, आपको पता है लोएस्ट एंड हाईएस्ट, हमें दोनों का डिफरेंस बताना होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का। तो सबसे हाईएस्ट आपको इसमें क्या दिख रहा था, सबसे हाईएस्ट आपको दिख रहा था 99.2, और सबसे लोएस्ट क्या है हमारा, सबसे लोएस्ट था आपका 84.9। ठीक है, तो ये आपका सबसे हाईएस्ट हो गया और ये सबसे लोएस्ट हो गया, तो इन दोनों में के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम रेंज कहते हैं। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं, तो दैट इज़ 99.2 माइनस 84.9, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इसको आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3.41। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाती है, रेंज। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं कि 4 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। द हाइट्स ऑफ द 50 स्टूडेंट मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। तो आपको 50 स्टूडेंट्स की जो है वो हाइट गिवन है, एज अ सेंटीमीटर में उसको क्या कर रखा है, मेजर कर रखा है, जो कि आपको ये चीज़ दिख रही है, ये रिकॉर्ड आपको डाटा जो दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेकन द क्लास इंटरवल्स एज 160 टू 165 एंड 165 टू 170 एसेट्रा। तो हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनानी है, और क्लास इंटरवल्स जो है हमें ऐसे लेने हैं, दैट इज 5-5 के गैप पे हमें लेने हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ गिवन नहीं है कि इसको आपको स्टार्ट 160 से करना है, आपको स्टार्ट 160 से नहीं करना है, क्योंकि 160 से जो छोटे नंबर्स है वो भी आपको गिवन है, दैट इज़ 150। तो लिखा है क्लास इंटरवल्स एज, मतलब कि 5-5 के गैप पे आपको लिखना है। और सेकंड आपको कॉन्क्लूड करना है हाइट्स, जो आप टेबल बना दोगे उस अकॉर्डिंग आपको कॉन्क्लूड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लास इंटरवल्स, जैसा हम लिखते हैं हमेशा क्लास इंटरवल्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा डाटा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, क्लास इंटरवल सबसे छोटा डिजिट आप देख लो, सबसे छोटा क्या था, मुझे 150 दिख रहा था, उससे छोटा भी कोई है क्या, नहीं उससे छोटा कोई नहीं है। तो 150 से हम क्लास इंटरवल स्टार्ट कर सकते हैं 5-5 के गैप पर, दैट इज़ 150 एंड 155। हम 155 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ 155 टू 160 टू 160 टू 165। ठीक है, 165 टू 170। आप हम सबसे हाईएस्ट तो देखना भूल ही गए कि हम पता चले लिखते ही चले गए, तो 170 तो है, 171 भी है,
तो आई थिंक 173 है. ओके, आई थिंक 173 सबसे हाईएस्ट है इसके अंदर. तो हम इसके आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं, दैट इज़ 170 से लेकर 175 तक. ठीक है, तो 173 इसमें हाईएस्ट है, तो मैंने 175 तक लिख दिया. अगर आगे और भी हमें कोई मिलता है इससे बड़ा, तो हम आगे कंटिन्यू लिख सकते हैं, एक और क्लास इंटरवल्स हम ऐड कर सकते हैं. आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चलो गिनते हैं हम, दैट इज़ 150 से लेकर 154 तक. ठीक है, 154.9 तक. ठीक है, 0.9 तक हम लेंगे इसको. ठीक है, देखते हैं. ओके, तो ये आपका हो जाता है एक. ठीक है, ये हो जाता है दो, ये हो जाता है तीन, ये हो जाता है चार, ये हो जाता है पाँच, और ये हो जाता है आपका छः, ये सात, और सात, और ये आपका आठ, ये नौ, और नौ, और ये दस, और देखो ये ग्यारह, और ये आपका हो गया बारह. तो ये आपको 12 दिख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 12, 150 से लेकर 154 तक. ठीक है, अब आगे 155 जो है वो हम इसके अंदर काउंट करेंगे. ठीक है, आता है तो. ओके, तो चलो काउंट करते हैं हम. अब हम लेंगे 155 से लेकर 159 तक. तो देखते हैं 155 टू 159. देखो 159 ये हमारे मिला पहला, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया. ठीक है, दूसरा, और ये हमारा तीसरा हो गया. ठीक है, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, और ये छठा, ये सातवा, ये आपका आठवा, और ये नौवा, और इससे आगे नहीं है. तो ये आपके 9 हो गए हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिया 9. ठीक है, ओके. अब हम लेंगे 160, इसमें इंक्लूड करेंगे हम, तो 160 से लेकर 164 तक हम देखते हैं. ठीक है, 160 से 164 तक. तो ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, और ये आपका हो गया 5, 6, 7, और ये 7 तक हो गया आपका. और 165 हम नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करेंगे, 7 तक हैं हम, 7, और ये आपका हो जाता है 8. ठीक है, 8, और ये 9, और ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये आपका 14. तो आपके 14 इसमें हमने काउंट करे हैं. ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 14. आगे हम देखते हैं 165 इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, तो 165 से लेकर 169 तक. अब इसमें देखो 165 से आपको दिख रहा है ऑलरेडी 1, 2. ठीक है, 2, और ये आपका हो जाता है 2 के बाद 2 के बाद ये हो जाता है आपका 3. ठीक है, 3, ये 4, ये 5, ये 6. ठीक है, 6 हो गया हमारा, और ये आपका हो जाता है 7, और ये आपका हो जाता है 8. ठीक है, 8, 9, और ये 10, आपके 10 काउंट हो रहे हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिया 10. ठीक है, अब आप देखो 170 से लेकर 174 तक हमें काउंट करना है. तो अब हमारे पास बहुत ही कम डिजिट्स बचे हैं, देखते हैं. ये आपका 171, 2, ये 3, और 3, ये 4 आपका आ रहा है, 4, और ये आपका 5. तो आप सारे सर्कल्स हो चुके हैं, हमारे 5 आया है डिजिट. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 5. अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि हो सकता है कि एक दो ऊपर नीचे हो गया हो, तो आप इसको काउंट कर सकते हो. 50 स्टूडेंट्स की बात की गई थी, तो आप इसको टोटल करोगे तो आपका 50 आना चाहिए, 9, 9, 18, 19, 20, तो 3, 3, 4, 5, फिर पूरा 50 आ रहा है, पूरे 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं टोटल करके.
ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं कि आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इस हाइट के अकॉर्डिंग। देखो सबसे हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट बच्चे जो हैं वो कौन से क्लास इंटरवल में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 160 से लेकर 164 तक के इंटरवल पे, 164.9 तक के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इस हाइट के हैं। ओके, और सबसे लोएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो आ रहे हैं 170 से लेकर 175 के बीच में क्लास इंटरवल में। तो पांच बच्चे जो हैं वो इस क्लास इंटरवल के अंदर आते हैं। तो सबसे हाईएस्ट क्लास इंटरवल और सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्क्लूजन हम निकालते हैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स करके ना आप इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।